मेरे को बता दिया करो। ओके जी, नमस्ते जी। मैं धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर, और आप में से बहुत सारे लोगों ने आज शक्ति पा लिया है। सुखविंदर पाल जी, नमस्ते। शालिनी सिंह जी, नमस्ते। और आप सभी को नमस्ते। सबको मैं देख पा रहा हूँ। मैं दिशा जी, आप जिस लाइट में बैठी है ना, जिस लाइट में, तो आपके सिर पे लाइट पड़ रहा है, आपका चेहरा बहुत अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, बट हाँ, आपका जो ये फोरहेड है, जैसे मेरा टकला चमक रहा है, वैसे ही अच्छे से चमक रहा है। तो अभी कुछ दिन और मुझे ऐसे ही रहना है, इस शायद इस पूरे मंथ, तो उसके बाद फिर मैं अपने बाल बढ़ाऊँगा अगेन। स्वागता शेठ जी, कैसी हैं आप जी? गायत्री जी, आपका फेस बहुत क्लियर दिख रहा है मुझे। हाँ, पानी, अब मैं जब प्यास लगेगी तो पीऊँगा। यहाँ पे रखो, चेकअप होना बेटा। हाँ हाँ, तो हम सभी जगह पे से क्लियर दिख रहे हैं, अब हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब हम जो शुरू करेंगे, क्योंकि अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे पहले कंधे सीधे कर लें, कंधे सीधे, नमस्कार की मुद्रा, गहरी सांस, हे परमपिता परमात्मा, हे माता प्रकृति, हे ब्रह्मांडी चेतना, हम सब पर अपनी कृपा करें। हम जिन ज्ञानों को, हम जिस ज्ञान को सीख रहे हैं, हम जिस विधाओं को सीख रहे हैं, हमें सही रास्ता दिखाएं, हम पर अपनी कृपा करें। हम सभी पर इस ज्ञान की प्रकाश की बारिश हो, और हम सभी अपने जीवन में एक महान हीलर बने, जिस उद्देश्य के लिए हमने ये कदम उठाया है, जिस उद्देश्य के लिए हमें चुना गया है, वो उद्देश्य को हम साकार कर सकें, ऐसा आशीर्वाद दें प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इस प्रार्थना के साथ आज की ये कक्षा हम शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार, नमस्ते जी, आप सबके मैसेजेस में पढ़ रहा हूँ। जिन लोगों ने भी बेटा मुझे नमस्ते नमस्कार लिखा है, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत ही अच्छा, मानसी, जब आपको लगे कि सब ओके है, सेटल है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, है ना। अब मैं इतना सीख गया हूं कि अपने से कर लेता हूं, तो आप जा सकते हैं।
टुम्पा जी कहते हैं, नमस्ते गुरु जी, सर आप ग्रैंड जब ग्रैंड मास्टर का अटेंडमेंट देते हैं तब क्या आप 12 सिंबल का ही अटेंडमेंट देते हैं? हाँ बेटा जी, 12 सिंबल का देता हूँ, लेकिन आने वाले समय में कुछ सिंबल्स को हम और ऐड करेंगे, और उसी के लिए मैं ये सब तैयारियाँ जो चल रही है उसी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिसको साधना समय लगता है। बींग अ हीलर आप तो आराम से ले सकते हैं, लेकिन ये बींग अ मास्टर, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को शक्तिपद उन्हीं सिंबल्स का देना है, तो उन्हीं की प्रैक्टिस में और कर रहा हूँ। तो ग्रैंड मास्टर में हम 3 सिंबल्स को और जोड़ेंगे, क्योंकि हर एक सिंबल के लिए एक लंबी साधना की है हमने, लंबी प्रैक्टिस की है हमने, ताकि हमने हमारे गुरुओं से जो हमको मिला वो मैंने आसानी से दिया। कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो हमें गुरुओं से नहीं मिला है, जिसे हमने पाया है, हमें सिर्फ बताया गया था, शक्तिपात नहीं मिला था। जिसका शक्तिपात नहीं मिला होता है उसके लिए बहुत लंबी साधना करनी होती है उन्हीं सिंबल्स के साथ। तो ग्रैंड मास्टर में हम 3 सिंबलों को और ऐड करेंगे, जिसके लिए ये साधना इस महीने पूरी हो जाएगी, और अगले महीने हम 3 सिंबल्स को और ऐड करेंगे। तो जो लोग भी 12 सिंबल्स का ही अटेंडमेंट लिए हैं, उन्हें वो 3 सिंबल्स का आगे फ्यूचर में और अटेंडमेंट लीजिएगा, ये मेरी आपको सलाह है कि ले लीजिएगा, क्योंकि जब आगे बढ़ जाओगे जीवन में और बढ़ चुके रहोगे, बहुत अच्छे से हीलिंग कर रहे होगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि वो सिंबल्स चाहिए, और तब शायद अगर उपलब्ध नहीं हुआ मैं, तो आपको यही प्रक्रिया करनी पड़ेगी जैसे मैंने करी है, जैसे मेरे गुरु मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो उन्हीं सिंबल्स के लिए मुझे पूरी साधना करनी पड़ रही है। तो आपको भी एक लंबी साधना ना करना पड़े सेल्फ अटेनमेंट को लेकर के, इसलिए अपने ही गुरु से वो शक्तिपात ले लें, ताकि वो बनी बुनाई पूंजी एक बार में आपको मिल जाए, है ना। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको अपने घर के बगीचे में आम का पेड़ लगाना है, तो मैंने आपको बीज दे दिया, अभी भी आम मिट्टी आपकी है, बगीचा आपका है, आम के पेड़ को आप लगाओगे धीरे धीरे से करके, आप बड़ा करोगे 45 दिनों में, 60 दिनों में, 70 दिनों में, है ना, और कई सालों की कई महीनों के प्रैक्टिस करते करते अभ्यास करते करते वो निखरता जाएगा। पहले कुछ आम फलेंगे, फिर कुछ आम फलेंगे, फिर और आम फलेंगे, ऐसे ही वो चीज़ बढ़ती जाती है। लेकिन यदि मैंने आपको आम का बीज नहीं दिया है, तो उस आम के बीज को तैयार करने के लिए, खोजने के लिए मेहनत, फिर उस बीज को तैयार करने के लिए एक लंबी साधना वो आपको करनी पड़ेगी, जो बहुत त्याग और समर्पण मांगता है। तो ज़्यादा उचित है कि जब मैं और कुछ सिंबल्स को आप लोगों को दूंगा, उसी समय उसे आप लोग ले लीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन मैंने कहा आज ले लेना है तो लो, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। जिस दिन से मैंने देना शुरू किया, उस दिन से हर गुरुवार को दे दूंगा। तो जब भी आप लोगों की व्यवस्था होगी कि ये वाला कोर्स मैंने पूरा कर लिया, ये मैंने इसका अभ्यास पूरा कर लिया, मान लेते हैं कि आप ग्रैंड मास्टर का ही अभ्यास कर रहे थे, 12 सिंबल के अभ्यास को आपने 45 दिन पूरा कर लिया, है ना, और उसके बाद फिर आप 3 सिंबल का ले सकते हैं यदि मैंने शुरू कर दिया हो तो, या आपने कोई और विधा का अभ्यास कर रहे तो वो अभ्यास पूरा कर लेना, क्योंकि जिस बार से शुरू हो जाएगा उस बार के बाद हर बार हर गुरुवार को उन 3 सिंबल्स का भी शक्तिपत वैसे ही मिलेगा जैसे ये 12 सिंबल्स का मिलता है, है ना। अगला सवाल है, प्रणाम गुरुजी, लास्ट वीक मेरा शक्तिपात हुआ, मेरा बहुत अच्छा फीलिंग था, मेरे नेक के पीछे से फोरहेड तक कुछ फील हो रहा था और स्पाइन में भी बहुत कुछ फील हो रहा था, अब मुझे कैसे प्रैक्टिस करनी है जो मैं लेवल 2 कर सकती हूँ, प्लीज़ गाइड मी। हाँ,
बेटा आप ना अपने एक बार कोर्स को अगर आप और खोलेंगे ना, तो शक्तिपात के बाद आगे की भी मैंने कुछ छोटे छोटे वीडियोस और दो बनाए हैं, जिसमें मैंने इसी चर्चा को की है कि जो सिंबल अभी आपको मिला से फर्स्ट लेवल पे चौकोरे और सहेकी का मिला, तो उन्हीं सिंबल्स का अभ्यास करेंगे अगले 21 दिनों तक। 21 दिन का अभ्यास पूरा होने के बाद आपने सातों चक्रों पे अभ्यास करना होता है, उसमें मैंने बताया हुआ है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और उन्हीं सिंबल्स का अभ्यास करने के बाद फिर कुछ दिन वेट करेंगे, रेस्ट करेंगे 2-3-4 दिन। तो उसके बाद जो भी अगला गुरुवार आएगा रेस्ट करने के बाद, उसमें आप अगला शक्तिपात लेंगे। कभी भी याद रखना बच्चा, आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि जैसे 21 दिन का है, 45 दिन का है, लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री तो 21 डेज का है, 21 दिनों का है। तो 21 दिन पूरा होने के बाद तुरंत शक्तिपात नहीं लेना। जैसे कभी कभी होता है कि वेडनेसडे को हमारा 21 दिन पूरा हुआ तो हम सोचेंगे क्यों ना थर्सडे को अगला शक्तिपात ले ले, ऐसा नहीं करना। हमेशा अगर वेंसडे को भी पूरा हो गया है तो पूरा 1 वीक वेट करना, अगले थर्सडे को लेना, अगले गुरुवार को लेना। कि ना प्रैक्टिस पूरी होने के बाद एक गैप चाहिए होता है, उस गैप में क्या करेंगे, नॉर्मल मेडिटेट करेंगे, नॉर्मल ध्यान का अभ्यास करेंगे। चाहो तो नाम जप कर सकते हो, चाहे तो कोई मंत्र जाप कर सकते हो, जो भी हो एक लंबा वेट करेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी, ये नहीं, वेट करने का मतलब ये नहीं कि छुट्टी पे चला गया आराम कर रहे हैं, नहीं। रोज उस समय में बैठेंगे शांति से, ध्यान का अभ्यास। आप एक हीलर हो, इसका मतलब ये हो कि आप ताउम्र के लिए, हमेशा हमेशा के लिए एक ध्यानी हो। योगी हो या नहीं वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप ध्यानी हो। ध्यान आपको हर रोज करना होगा, और एक समय के बाद आपको ध्यान की भी आदत पड़ जाएगी, वो करना ही करना है, ऐसा हो जाएगा। जैसे अगर नींद पूरी ना हो, जैसे हम सोए ना हो, तो कहीं पर भी नींद आ जाती है ना, ऐसे सो जाते हैं, चलती गाड़ी में नींद आ जाती है, चेयर में हमारी नींद आ जाती है, वैसे ही एक समय के बाद ध्यान का अभ्यास आदत पड़ने के बाद, जैसे आज अगर ध्यान नहीं भी किए हैं तो कहीं पर भी आप ध्यान लगा लेंगे, कहीं पर भी आपका मन लग जाए, कहीं पर भी आप शांत हो जाएंगे, चाहे मंदिर में बैठे हो, चाहे चलती गाड़ी में हो, चाहे यूं ही कहीं बैठे हो, चाहे किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो बैठे बैठे अचानक से आप ऐसे बस बैठे हैं और अपने आप सब शांत हो जाएगा। तो ये समय भी कई लोगों का आप में से आ भी गया होगा और कई लोगों का आने वाले समय में आएगा, ठीक है? तो आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल है, हाँ नीता जी कहते हैं, एंटी कैंसर सिंबल से कैसे किसको हील करते हैं और कौन सा चक्र हील करते हैं? नीता बेटा, मैंने उस एंटी एंटी कैंसर सिंबल वाले वीडियो में इतना अच्छे से समझाया हुआ है, इतना डिटेल बताया हुआ है, वो देखिए आपके कोर्स में है वो, नहीं तो यूट्यूब में सीधे सर्च कर लेना। उसको बनाने से लेकर उसके हर एक मुद्दे को धीरे 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 समझाया हुआ है, उसको देखिएगा। टुम्पा जी कहते, सर मुझे जानना था कि से के पास से पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। हाँ बहुत बढ़िया तरीका है इसका, मैं ना कल या परसों में इसका पूरा डिटेल वीडियो डालूंगा, थोड़ा सा 20-25 मिनट का बनेगा वो, थोड़ा लंबा, बहुत ही शानदार तरीका। कोई पेन छोड़ो तो बेटा। ये ना, ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, पैसा गुड। मैं सिंबल्स भी बनाऊंगा, इंजन नंबर भी बताऊंगा, वो मेडिटेशन भी बताऊंगा और अलग अलग तरीके उसमें बताऊंगा,
जो आपको सबसे सुटेबल लगेगा वो करना, कल या परसों में ही वो वीडियो आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा लंबा है, यहाँ बताने के लिए सिंबल डिज़ाइन करके बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये आप सबके जीवन में जितने भी हीलर्स हैं इस चीज़ को ज़रूर सीखना, क्योंकि आपकी हीलिंग प्रैक्टिस में, आपके के काम में, आपके करियर में ये कई बार ऐसे केसेस आएंगे जो लोग आपके पास लेकर के आएंगे। तो ये आपके खुद के लिए भी, घर परिवार के लिए भी और आपके क्लाइंट्स के लिए भी बहुत काम आने वाली चीज़ है। हाँ, एक बार में 3-4 पीपल्स को हीलिंग देना हो तो क्या प्रोसेस है? हाँ, एक बार में 3-4 लोगों को हीलिंग देना है तो इसका प्रोसेस ये है बेटा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी अपनी डेली प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि आप एक बड़ी बैटरी हो, तब 3 छोटे डिवाइसेस को आप चार्ज कर पाओगे। जैसे कि एक जो पावर बैंक होता है उससे एक मोबाइल 3 बार चार्ज हो सकता है, या 3 मोबाइल एक ही बार में चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो पावर बैंक और बड़ा है तो 4 मोबाइल या 5 मोबाइल चार्ज हो सकते हैं। राइट, समझ में आया ना? तो इसका मतलब क्या है कि वो पावर बैंक को बड़ा होना भी ज़रूरी है, उसको चार्ज होना भी ज़रूरी है खुद से। अब ये बात बिल्कुल सच है कि ये ऊर्जा हम सीधा ब्रह्मांड से लेकर के सीधे ट्रांसफ़र करते हैं, तो कुछ भी हमारी ऊर्जा व्यय नहीं होती। लेकिन आपकी प्रैक्टिस से ही आपका ऑरा, आपकी आभा इतनी शक्तिशाली बनेगी कि उतनी ऊर्जा को वो खींच करके किसी को दे सके। तो शुरुआती समय में तो ये नहीं करेंगे। रेकी लेवल 1 से ग्रैंड मास्टर तक करीब करीब 90 से 100 दिन की प्रैक्टिस हो चुकी होती है। तो उसके बाद अपने आप में जब ये बल महसूस होने लगे तब करना। क्या करना होगा मैं बताता हूँ। अपने चेतना में तीनों इंसान को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे लेटा हुआ महसूस कीजिए, या फिर आप अपने सामने एक साथ लाइन से कर्व शेप में बैठा हुआ महसूस कीजिए। लेटा हुआ महसूस कीजिए या बैठा हुआ महसूस कीजिए कर्व शेप में। कुर्सी में बैठे हैं, दोनों पैर खुले हुए हैं, जमीन पर रखे हुए हैं और आंखें बंद हैं, और इस कंडीशन में आप इस तरह से हीलिंग भेजते हैं। तो तीनों को बराबर ऊर्जा भेज सकते हैं। प्रैक्टिस से क्या होगा बेटा, एक बात, जो 90-100 दिन की जो प्रैक्टिस हो चुकी होगी ना, उससे आपका जो ये है, बुद्धि है, आपकी जो आदत है, इतने सारे लोगों को एक साथ हील कर पाने की क्षमता आ चुकी होगी आपके भीतर। सोच पाने की जो क्षमता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सोच पाने की कि इसका ये प्रॉब्लम है, उसका वो प्रॉब्लम है, उसका वो प्रॉब्लम है, तीनों को एक साथ ऊर्जा दे रही हूँ, या तीनों के मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा, सहस्त्रार चक्र को अपनी चेतना में तीनों को देख पाना, तीनों की ऊर्जाओं में अपनी ऊर्जा को भेज पाना, ये सामर्थ्य का काम नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके का अभ्यास कितना लंबा है। तो आपका अभ्यास जितना लंबा होगा, आपका अभ्यास जितना शक्तिशाली होगा, ये उतना ही आसान होगा आपके लिए, उचित है? तो 3 से 4 पीपल्स को आप हील कर सकते हो अभ्यास। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं तो ये बोलूँगा कि अपने सामने ना 3 तरह के फलों को रखना, मैंगो हो गया, अमरूद हो गया या जामुन हो गया, 3 को रखना, तीनों पे एक साथ ध्यान लगाने की कोशिश करना। तीनों पे एक साथ ध्यान लगा सकते हैं या एक ध्यान को ऐसे 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 शिफ्ट कर सकते हैं और तीनों को बारीकी से देख सकते हैं, मतलब समझ जाना कि आप वो काम भी कर सकते हैं। ठीक है, गायत्री जी कहते हैं,
नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन है कि लैंड की हीलिंग कैसे करते हैं, किसी भी लैंड को, किसी भी भूमि को हील कैसे करना है। देखो बेटा, सबसे पहले वो भूमि का जिसे आप हील करने वाले हो, बहुत ज़रूरी बात है, कंधे सीधे कर लो, ठीक है, कंधे सीधे, ध्यान मेरी तरफ, क्योंकि ये केस आएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको आपको अपनी अपनी विधाओं से किसी भूमि की वास्तु को भी सुधारना पड़ेगा, है ना, वास्तु को भी हील करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस भूमि का सही लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए, ये नहीं कि ये लाइन खिंचा, ये लाइन खिंचा, नहीं, वो भूमि का टुकड़ा कैसे दिखता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौकोरे और सेहकी से डाइकोमियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, केवल चौकोरे और सेहकी। चौकोरे और सेहकी का आप अभ्यास कम से कम 100 दिन का हुआ होना चाहिए, मतलब कि लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक, ग्रैंड मास्टर तक आपने जो अभ्यास किया है, उसी अभ्यास के दम पे उस को अपनी चेतना में रख लिया और बड़ा कर लीजिए अपनी चेतना में, या फिर अपने कागज़ में ही देख सकते हो। इतनी चेतना आ जाती है इतने दिनों के अभ्यास से कि उस मैप को, उस डिज़ाइन को हम अपनी चेतना में बड़ा करके देख सकते हैं और उसके हर एक कोने को चौकोरे और सेहकी से हील करेंगे। एक हाथ में नमक पानी लेंगे, अपनी कल्पना से भी वो नमक पानी आप बना सकते हैं, सही का लें तो भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा शक्तिशाली अपनी जो चेतना से जब हम नमक पानी बनाते हैं, पात्र बनाते हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन क्योंकि हमें ध्यान वहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम फिज़िकल फॉर्म में नमक पानी ले लेते हैं। लेकिन बार बार मैं बताऊँगा बेटा, स्थूल कोई भी सॉलिड मैटर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है आपकी चेतना में बना हुआ मैटर। तो दोनों में ध्यान लगा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। स्पाइरल चौकोरे बना करके नेगेटिविटी को साथ, जो भी उसकी ऊर्जा है, पहले उसको न्यूट्रल करना, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों को खींच लेना है, मतलब समझ रहे हो, आपको वहाँ की एनर्जी ही खींच लेनी है। कोई आपको नहीं पता है वहाँ नेगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी, आपको सिर्फ ये पता है कि वहाँ की पूरी सफाई करनी है। एक होता है ना, घर की सफाई करते हैं, फिर घर में ज़मीन में धूल गिरा हुआ है या चावल के दाने गिरे हुए, सब बाहर होता है, बराबर है। वही चावल का दाना खाने के लिए काम आता, लेकिन वो नीचे गिर गया है तो आप उसको बाहर ही कर दे रहे हैं। चाहे तो उठा भी सकते हैं, बाहर निकालने, जब सारा इकट्ठा करने के बाद अगर बहुत सारे चावल के दाने हैं तो उससे उठा करके रख सकते हैं, चाहे चींटी को दे सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, या धो करके आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरी सफाई होगी। तो हर कोने को स्पाइरल चौकोरे से, चौकोरे बनाया, स्पाइरल घुमाते हुए डाल दिया किसमें, अपने नमक पानी में। इसके लिए एक पूरा मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब में मिलेगा, घर को क्लीन कैसे करें, घर को क्लीन करके दिखाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो घर को क्लीन कैसे करें, धैर्यवान लिखेंगे तो मिल जाएगा, हो सकता है आपके कोर्स में भी उसको, उस वीडियो को डाला हुआ, क्योंकि कई सारे वीडियोज़ ऐसा हो जाता है ना बेटा, कई बार की यही वीडियो तो YouTube में भी रखा हुआ, उसे ही कोर्स में भी दे रहे हैं, तो इतने सारे वीडियो देख करके ना आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग हो, मैं जानता हूँ, इतना सारा वीडियो है, ओ माय गॉड, इतना सारा कैसे देखेंगे। तो मेरी कोशिश रहती कम वीडियो में वो समझ जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा, फिर वही क्वेश्चन को यहाँ आके पूछते हो, फिर मुझे ये बताना पड़ता है उसमें है देखो। तो YouTube में जाओगे तो आपको दिखेगा कि कैसे मैंने घर को पूरा क्लीन करके दिखाया हुआ है ना। तो वैसे स्पाइरल चौकोरे बना बना के हर कोने से ऊर्जा को निकालेंगे, नमक पानी में डालेंगे, ठीक है, ये सारी ऊर्जा को एक साथ ब्रह्मांड में भेज देंगे, ओके। अब वो घर पूरा क्लीन है, ठीक है, फिर से ये तो खाद खा लिया हो गया, अब हर कोने में चौकोरे बनाएंगे, एक दिव्य ऊर्जा जो कि प्योर एनर्जी है, कोई पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं है, वो प्योर एनर्जी है। चौकोरे बना करके उसी कोने में डाला और उस ऊर्जा को पॉजिटिव बनाने के लिए, प्रेम से भरने के लिए, हम बैलेंस करने के लिए, हम परमात्मा का प्रेम जिसे कहते हैं वो है सेहकी, सेहकी को बना करके भी उसमें स्थिर कर देंगे।
तो चौकोरे और सिहिकी को स्थिर करेंगे। ये करते करते अगर आपको कहीं पर लगा कि किसी जगह पे हैवीनेस है, जो कि एक हीलर को पता चल जाता है उसके थैमस ग्लैंड में, अनाहत चक्र में एक भारीपन महसूस होता है, याद रखना थैमस ग्लैंड एक नाम लिया है, आने वाले समय में ये प्रयोग होगा, आपको समझ में आएगा। थैमस ग्लैंड जो होता है ना, यहाँ आपको सब फील होता है, आज्ञा चक्र पे नहीं, सहस्त्रार चक्र पे नहीं, सिर्फ अनाहत चक्र ही आपका शक्ति, सबसे बड़ा बल जो है एक हीलर का होता है वो है अनाहत चक्र। ये सब कुछ महसूस करता है, ये क्रिएट करता है, ये डिस्ट्रॉय करेगा, ये चीज़ बनाएगा, ये चीज़ क्रिएट करेगा, लेकिन क्या करना है वो आपके थैमस ग्लैंड हृदय चक्र में ही आएगा। तो आपके हृदय चक्र में फील हो जाएगा कि किसी पर्टिकुलर जगह में ज़्यादा हैवीनेस है या ज़्यादा नमनेस है, तो उस जगह पे एक डाइकोमियो डाल देंगे। याद रखना चौकोरे और सिहिकी का ही प्रयोग करना है हर बार, लेकिन किसी जगह पे आपको नमनेस या ड्राइनेस या हैवीनेस लगा तो एक डाइकोमियो डाल देंगे, तो इससे वो लैंड हील हो जाएगा। सवाल बनता है कितने दिन हील करना है, तीन दिन हील करना। दूसरा सवाल बनता है कब करना है, पूर्णमासी की रात से शुरू करेंगे, मतलब या तो फुल मून या तो न्यू मून। कई बार धोखा होता है कि अमावस्या तो डार्क एनर्जी हो जाएगी, नहीं, अमावस्या के दिन भी चंद्रमा है, वो परछाई में छुपे हुए हैं, ठीक है, तो वो अपनी छाया वाली कलाओं में है और उसमें रोशनी वाली कलाओं में, तो पूर्णिमा या अमावस्या में से किसी एक दिन को चुन करके 3 दिन किसी भी लैंड की हीलिंग करेंगे, उस लैंड से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म होंगी। अगेन प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा शक्ति है आपका, जितना लंबा अभ्यास हुआ होगा उतना ज़्यादा बल होगा किसी भी चीज़ को आपको हील करने को लेकर के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हमेशा याद रखना कि आपको प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना है, आपका प्रैक्टिस ही आपको शक्तिशाली बनाएगा, वही शक्ति ही आपको चाहे वो लैंड की हीलिंग हो। अब देखो समटाइम्स हमको ये लग रहा है कि अभी देखो जिस तरीके से मैंने जो बताया है वो एक नॉर्मल लैंड की बात बताई है मैंने, है ना, कि एक खाली ज़मीन, सुनने में ऐसे लग रहा है कि मैंने एक खाली ज़मीन की बात बताई है, नहीं, ये सिर्फ खाली ज़मीन की बात नहीं है, यहाँ पर कुछ दुकानें हो सकती है, कोई मकान हो सकता है ना, कुछ कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई पुरानी बिल्डिंग हो सकती है ना, तो तब क्या करेंगे, तब भी यही प्रोसेस रहेगा, तब भी ऐसे ही सबको हील करेंगे, ऐसे ही यही तरीके से ही हम हर बार सबको हील करेंगे, है ना जी। अब हम क्या समझते हैं यहाँ पर कि मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर घर है या पर्टिकुलर दुकान है, तो उस कंडीशन में सिर्फ मैप से काम नहीं बनेगा, वहाँ जा कर के आपको हर कोने को हील करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको ये पता है कि उसको वहाँ का कोना कैसे कैसे है, वहाँ का हर जगह का फोटो आपको मिला हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आप उसे हील कर सकते हैं। एक और कंडीशन हो सकता है कि एक मिनट बेटा, एक और कंडीशन हो सकता है कि उस किसी घर में या किसी बिल्डिंग में लोगों की बहुत तबीयत खराब हो रही है या बहुत नुकसान हो रहा है, तो उस कंडीशन में मत भिड़ना तब तक जब तक साल भर का अभ्यास नहीं है आपके पास, है ना, जहाँ आपको भी जहाँ जब भी फील हो आपके अनाहत चक्र में कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, यहाँ फील हो जाता है हमारी क्षमता, है ना, जैसे कि आप इस क्षमता को कभी महसूस करके देखना बेटा, कि अगर मैं बोलूँगा कि इतना दूर दौड़ लोगे तो यहाँ फील हो जाता है नहीं इतना तो नहीं दौड़ पाऊँगा,
इतना दौड़ लूँगा, इतना वजन उठा के दिखा दोगे? तो चैलेंज लेने से पहले यहाँ फील हो जाता है कि नहीं इतना तो नहीं कर पाऊँगा, इतना मैं कर पाऊँगा। इतना स्टडी कर लोगे, इतनी सारी पढ़ाई कर लोगे, पहले ही फेल हो जाता है। तो अपने थैमस ग्लैंड को याद रखना, अनाहत चक्र सबसे बड़ी शक्ति होगी आप लोगों की, तो उसके अनुसार ही आप काम करेंगे, है ना। जगदीप सिद्धू जी नमस्ते, कैसे हो आप सर? आपने मेरा मैसेज सुना जो सुमन जी ने आपके पास भेजा? हाँ बेटा, मैंने सुना है और सुमन को मैंने कहा भी है कि आज आपसे वो मेरी बात कराएंगे। क्लासेस ख़त्म होंगे, आखिरी क्लासेस होने के बाद आज मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि आपके यहाँ तो दिन है, मेरे यहाँ रात भी होगा तो भी होगा बात, आज मैं करूँगा ही करूँगा आपसे, क्योंकि मैं खुद चाहता था आपसे बात करना, लेकिन देखो ना इतना सारा चीज़ हो जाता है। दिव्या जी कहते हैं नमस्ते सर, आज अटेंडमेंट के बाद मैंने एक सेशन किया सेल्फ हीलिंग का, तब बैक में बहुत हैवीनेस लग रहा था। मेरी गुड़िया, मैंने कितने बार समझाया है अपने कोर्स में, ये बताया है कि जिस दिन शक्तिपात हुआ उस दिन कोई प्रैक्टिस मत करना, गार्डन में टहलने निकल जाना, खाली पर मिट्टी में चलना, सनलाइट लेना और हल्का खाना, ठीक है। शक्तिपात वाले दिन कभी कोई प्रैक्टिस नहीं करना, कोई ध्यान नहीं, कोई हीलिंग सेशन नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, किसी के लिए भी नहीं करना, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। वो जो दिन है मतलब शक्तिपात से लेकर के अगले रात की पूरी नींद तक, जब पूरी नींद पूरी करने के बाद अगले दिन जागेंगे उसके बाद से ही कुछ करना, क्योंकि शक्तिपात में एक बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज आपके सिर पे उतरा है, आपके सहस्रार चक्र पे उतरा है, तो उसको संभालने के लिए आपके सातों चक्र अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शक्तिपात मैंने कर दिया तो पूरा समा गया, नहीं, वो ची वॉल के ज़रिए धीरे 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 उतर रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को बेटा शिकायत रही है मुझसे पहले के क्लासेस में कि कई लोगों को वॉमिटिंग हो गया, कई लोगों को फीवर आ गया, कई लोगों को बहुत सर में दर्द हो गया, 24 घंटे बना रहा, तो उस वजह से शक्तिपात को थोड़ा माइल्ड किया गया, ची बॉल बना करके सिर पे छोड़ना पड़ता है, ताकि वो धीरे धीरे वो ऊर्जा उतरे और धीरे धीरे वो सेटल डाउन हो, क्योंकि एक बार में जो इस तरह से हम शक्तिपात करते थे तो वो ऊर्जा नहीं संभलती, तो बहुत सिर में दर्द होता है, बहुत उल्टियाँ आती है, तबीयत ख़राब हो जाता है, फीवर आ जाता है, क्योंकि आप अपने घर पर हो। यह चीज़ अगर किसी गुरुकुल में मेरे साथ होते तो मैं अपनी नज़रों में रखता, आप लोगों को एक दिन दो दिन पहले से ही मनोस्थिति को धीरे 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 बदला जाता है, ध्यान जप कीर्तन इस तरह की चीज़ें कराई जाती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कराई जाती है, खाना पीना को ध्यान दिया जाता है, लंबी उपवास किया जाता है, फास्टिंग की जाती है, तो उस कंडीशन में वो जो एक बार वाला जो शक्ति पाया था, जो सीधा अंगूठा रखते हैं उसको एक शरीर झेल लेता है, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है। आपने कई सारे शक्तिपात देखे होंगे वीडियो वगैरह में कि जब कोई गुरु शक्तिपात करते हैं तो लोगों के आंसू निकल जाते हैं, लोग थोड़ी देर के लिए अचेत हो जाते हैं, तो वैसा भी होता है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन है, आप लोग अपने अपने घर पर हो, अपने अपने जगह पर हो, आप लोगों की व्यवस्थाएँ कैसी हैं, सब चीज़ को ध्यान नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए इस व्यवस्था के साथ ची बॉल के साथ हम शक्तिपात करते हैं। तो सख्त आदेश ये है कि शक्तिपात वाले दिन में कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, इवन ध्यान भी नहीं करेंगे, नाम जप भी नहीं करेंगे, एक लंबा सेशन जो होता है ना, राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण, नाम जप भी नहीं करेंगे उस दिन, हल्का फुल्का परमात्मा को ध्यान में रखते हुए, हल्का आहार लेते हुए कोई भी प्रक्रिया करने के लिए बैठेंगे नहीं, चलते फिरते नाम तो परमात्मा का नाम तो लेना ही चाहिए, और हल्का ही खाएंगे, हो सके तो फास्ट कर लें, या फिर फलों का सेवन करते हुए धीरे से वो दिन को बीत जाने दें। रात को या तो बहुत तेज नींद आएगी या तो नींद आएगी ही नहीं, दोनों चीज़ हो सकती है, उसके लिए भी तैयार रहें। तो शक्तिपात का जो 24 घंटा होता है वो ध्यान रखने वाला समय होता है, क्योंकि मैं शक्तिपात जिस दिन किया होता हूँ उस दिन मैं पूरा 24 घंटे का फास्टिंग रखता हूँ, क्योंकि अन्न को अगर अपने अन्नमय कोश में अगर मैंने मिट्टी को रखा, मतलब खाना मतलब मिट्टी रखा, तो
तो मेरा शरीर इतने लंबे शक्तिपात जो करने वाली प्रक्रिया को नहीं झेल पाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आएगी, या मैं सो जाऊँगा या मैं अचेत हो जाऊँगा। तो शरीर में पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, तब एक मास्टर शक्तिपात करता है। तो जीवन में जब आगे जाके आप मास्टर बनेंगे और शक्तिपात करेंगे, तो आपको एक लंबी फास्टिंग की आदत होनी चाहिए, 24 घंटे की फास्टिंग की आदत होनी चाहिए। अभी से धीरे 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 करके उसको बढ़ाइए। बहुत सारे हज़ारों बेनिफिट्स हैं, लेकिन बींग अ मास्टर ये आपका धर्म है कि आप उपवास कर सकें, है ना। जूम यूज़र कहते हैं, नाम नहीं लिखा बेटा, गुरुजी ग्रैंड मास्टर कोर्स ऐप मेनू नहीं आया। आ जाएगा बेटा, होगा कोई सॉफ्टवेयर का कोई ग्लिच होगा, क्योंकि एक नया बनाए हैं ये लोग बहुत। मैं तो अभी तक अपना क्या बोलना चाहिए, वो वेबसाइट है, पिछले हफ्ते के क्लास के टाइम में बोला था कि मैं नहीं देखा हूँ, मुझे देखना चाहिए था, मैं अभी भी नहीं देख पाया हूँ उसको, अपना ही वेबसाइट नहीं देखा हूँ अभी तक। ओ कुड़िया, मेरे को अभी बेटा ये वाला ख़त्म होने के बाद तुरंत पहले बैठा के वेबसाइट दिखाना, दिखता कैसे है पता तो चले। और बेटा जूम यूज़र, आप जो नाम लिख आपका नाम नहीं दिखा है इसमें, क्या बोलते हैं, अपना नाम लिख के बताओ, इनको ग्रैंड मास्टर का कोर्स नहीं शो हो रहा है, बताना उनको। और कैसे कैसे दिखता है मुझे भी दिखाना। सोनिया जी कहते हैं, प्रणाम प्रणाम जी, मेरी मॉम को न्यूरो की प्रॉब्लम डायग्नोस हुई है, उनकी टंग हाइपर एक्टिव हो जाती है, मेडिसिन चल रहा है बट बहुत इम्प्रूव नहीं है, मैं मॉम को कैसे रेकी दूँ विशुद्धा चक्र में। एक विशुद्धा चक्र में देना बेटा, और दूसरा दोगे सहस्त्रार चक्र में। बहुत कम केसेस में हम सहस्त्रार चक्र को हील करते हैं, क्योंकि उसको हील करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट न्यूरोलॉजिकल जब प्रॉब्लम होती है तो सहस्त्रार चक्र को ही हील करते हैं, है ना। सहस्त्रार चक्र को ही हील करना और बहुत तेज़ी से फ़ायदा मिलेगा। और मम्मी जी को दिन में केवल दो बार आहार लेने के लिए बोलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चबा कर खाएंगी, कम ही खाएंगी, और दो बार आहार लेंगी, और या फिर या तो दो बार का आहार लें, या तो एक बार का, या तो अगर फल वगैरह खाना चाहती हैं तो एक बार पूरा आहार लें जिसमें अनाज खाते हैं, और दिन में दो तीन बार वो फल खा सकती हैं, या तो दो बार सिर्फ अनाज ही खाएंगे, दो बार ही खाएंगे, तीसरे बार नहीं खाएंगे, है ना। तो ये न्यूरोलॉजिकल पेन होता, जब प्रॉब्लम होता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो ये करें। दूसरा, हीलिंग में बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्षमादान प्रार्थना। क्षमादान प्रार्थना मैंने, मेरा यूट्यूब में एक है जो मैंने अपनी आवाज़ में बोल करके बनाया है, उसमें बहुत ही सजगता से सोच समझ करके हमने क्षमादान मांगा है सभी से, परमात्मा से, मदर नेचर से, अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने रिश्तों से, और उसके बाद हमने क्षमा भी किया है अपने लोगों को, अपने रिश्तों को, अपने आप को, क्योंकि जाने अनजाने बहुत सारी गलतियाँ हुई होती हैं हमसे खुद, अपने प्रति भी। आपने गलत खाया, किसकी गलती है, कई इल्ज़ाम आपने अपने आप पर लिए, किसकी गलती है, कई सारे झगड़ों को ख़त्म करने के लिए आपने ये कह दिया कि चल ठीक है मेरी गलती है, माफ़ कर, बात ख़त्म करते हैं। आप कौन होते हैं अपने आप को गलत बोलने वाले। उस कंडीशन में आपका जो माई सेल्फ है वो आपसे नाराज़ रहता है, वो दुखी होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर किसी कोई और इंसान ने आपको एक बेबुनियाद इल्ज़ाम आप पर लगा दिया, या किसी बिना गलती के आपको चार बार सुना दिया, आपके ऊपर गलती मार के चला गया, तो आपका मन दुखी होगा ना। तो वैसे ही अगर आपने खुद को वैसी किसी गलती के लिए अक्यूज़ कर दिया, ब्लेम कर दिया, चाहे मेरी ही गलती थी, मैंने ही ये किया था, मैंने ही, चलो इस रिश्ते को मैंने ही चुना था, तो मेरी ही गलती है। तो बहुत सारे मामले में हम अपने आप को ऐसा बोल करके कर देते हैं, पर उस कंडीशन में हमें अपने आप से माफ़ी मांगना है और अपने आप को
माफ भी करना है, तभी हम उस चीज़ से मुक्त हो पाते हैं। हमें पता भी नहीं होता है, यानी कि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ 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 फंसा हुआ है, कहाँ 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 उसका मन रुका हुआ है। तो उस कंडीशन में क्षमादान प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर कराना। किसी भी पेशेंट को हील कर रहे हो, रात को सोने से पहले क्षमादान प्रार्थना कराइए। मेरी आवाज़ में मैंने बनाया है, उसको सुनिए और अपने पेशेंट को लिख करके दीजिए कि ये क्षमादान, ऐसे ऐसे क्षमादान प्रार्थना आप कर लेना, नहीं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके देना और वो क्षमादान प्रार्थना करेंगे, और ना बने तो मेरा ही रिकॉर्डेड वाला को दे देना। ठीक है, कुसुम लता जी नमस्ते जी, रिनु जी, रितु जी कहते हैं नमस्ते सर, अल्सर PCOD, तो मैं ना हमेशा एक चीज़ मैं सिखाता हूँ कि कोई भी ऐसे जो शब्द होते हैं ना उनका नाम मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन जब भी मैं ले रहा हूँ तो फिंगर क्रॉस करके ले रहा हूँ, तो आप भी फिंगर क्रॉस करना है। ये बच्चों को बचपन में हम सिखाते थे फिंगर क्रॉस करो, नहीं, ये बहुत बड़ा सिंबल है। जब भी कोई ऐसी चीज़ जिसे आप बोल रहे हैं या सामने से कोई बोल रहा है उससे आप अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते, उससे आप एक्सेप्ट नहीं करते, अंदर आने नहीं देना चाहते, तो फिंगर क्रॉस कर लेना। तो कोई भी बीमारी का हम नाम लेंगे तो फिंगर क्रॉस करके नाम लेंगे, और आप लोग भी फिंगर क्रॉस करके ही सुनेंगे। ठीक है, ये चीज़ मेरे बहुत बुज़ुर्ग गुरुजी ने ये सिखाया था कि ये करना है। मैं बोला ये तो बचपन में मम्मी पापा भी सिखाया करते थे, ये बोले कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, नमस्ते सर, अल्सर PCOD, वरिकस वाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, सोलमेट फॉर मैरिज, ओके, एग्ज़ाम पास करने के लिए प्लीज़ बताइए, मुझे आपसे बात करनी है, कहीं भी मैम से प्लीज़ अपॉइंटमेंट दे दीजिएगा। ज़रूर बेटा, ज़रूर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो जैसे कि मैंने कहा, बात तो ज़रूर करूँगा, लेकिन सबसे पहले आप ना वो शक्ति फॉरगिवनेस प्रेयर शुरू कर देंगे, है ना। 7 चक्रास तो हीलिंग कर रहे हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर शुरू कर दीजिएगा और उससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वक्त होता है मैं ज़रूर बात करूँगा। जगदीप जी कहते थैंक यू सो मच सर, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड आपके साथ जुड़ पाई। परमात्मा की कृपा है जी, परमात्मा के आशीर्वाद से ही आप और हम यहाँ हैं, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं जीवन में आप लोगों को कुछ दे पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं परमात्मा का हज़ारों बार धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इसलिए चुना, और आप लोग भी उसी रास्ते पे हैं। आज, कल, परसों आप भी ऐसे ही किसी इस विधा को, इस ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे और भी लोगों को सिखाएंगे और उनके जीवन को भी आसान बनाने में उनकी मदद करेंगे। ऋतु जी कहते हैं सर आपकी बात सुनकर बहुत हिल फील होता है, बस परमात्मा की कृपा है बेटा जी। हाँ, परमात्मा की कृपा के साथ साथ गुरुओं का आशीर्वाद है जिन्होंने विशुद्धा चक्र पर बहुत ज़्यादा काम कराया। एक हीलर का सबसे शक्तिशाली जो चक्र होता है अनाहत चक्र होता है, ताकि वो हर चीज़ को फील कर सके, है ना। लेकिन उसके बाद जो सबसे सेकंड में सबसे शक्तिशाली होना चाहिए वो है उसका विशुद्धा चक्र, क्योंकि जो वो फील किया है उसको प्रोसेस करके, अगर वो बुरा भी फील कर रहा है तो भी उसको प्रोसेस करके अच्छी वाणियों में दे सके, और जो वो अच्छा फील कर रहा है उसको और 100 गुना करके अपनी वाणी से अच्छे से दे सके, ताकि सामने वाले को आराम मिले। हाँ जी। सर, अगर एसिड रिफ्लक्स हो जाए तो कैसे हील करते हैं और कौन से सिंबल से हील करते हैं? हाँ, सिंबल इसमें बहुत मैटर नहीं करेगा बेटा, इसमें चौकुरे सही की भी काफ़ी है, है ना, चौकुरे सही की काफ़ी है। डायरोसे का भी प्रयोग करेंगे तो बहुत शक्ति बनेगा, लेकिन इसके लिए हमें मूलाधार चक्र को ही हील करना है। मूलाधार चक्र से हीलिंग को सभी चक्रों में ऊपर की तरफ पहुंचाना है, ध्यान रखना।
बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, तकरीबन सारे केसेस में सिर से नीचे की तरफ भेजते हैं, सिर से मूलाधार मतलब सहस्रार से मूलाधार की तरफ भेजते हैं। इस तरह की केसेस में एसिड रिफ्लक्स जो होता है उसमें मूलाधार से सहस्रार की तरफ भेजते हैं। तो चौकोरे से है कि इसमें ना थोड़ा समय लगता है, ये हीलिंग ले लेगा आपका 11 दिन से 18 दिन ले लेगा, तो इतना समय तो आपको देना होगा। हेलो सर नमस्ते, बिल्किस जी कहते हैं हाउ टू हील एग्रेशन एंगर इश्यूज। एंगर एग्रेशन इश्यूज के लिए मैं एक ना बहुत अच्छा स्विच वर्ड बताया था मैंने, शांतम पापम बोल के बताया था मैंने। ये बहुत अच्छा काम आता है अगर आपकी हीलिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो पहला है किसी के एंगर को ख़त्म करना, तो केवल सेहे के सिंबल को हम आज्ञा चक्र में बनाते हैं, केवल सेहे के सिंबल को आज्ञा चक्र में बनाते हैं, क्योंकि वही बैलेंस करता है ऊर्जा को। कहीं भी बहुत ज़्यादा कियोस मचा हुआ है, चार लोगों के बीच में वो एक झगड़ा हो रहा है, या एकदम ख़राब सा माहौल बना हुआ है, या कोई इंसान बहुत गुस्से में, तो उसके आज्ञा चक्र पर सेहकी बना करके थोड़ी देर के लिए हीलिंग भेजें। मन में ही भेजें, ऐसा नहीं कि हाथ उठा के भेजें, नहीं, अपनी आज्ञा चक्र से सेहकी बना करके बस थॉट्स भेजना शुरू करें कि आपका मन शांत हो रहा है, आप सुख में हो, शांति में हो, परमात्मा की ऊर्जा से आपको प्रेम महसूस हो रहा है, आनंद महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है। इस तरह से आप भेजना शुरू करेंगे अफर्मेशंस, थॉट्स भेजना शुरू करेंगे। साथ में अगर कोई अफर्मेशन ना आए तो ये स्विच वर्ड लिख लो, शांतम पापम, शांतम पापम। सर 7 बज गए सर, अगली क्लास है। हाँ बज गए, इतनी जल्दी हो गया जी सर। चालू करो ना, बैठो उनके साथ बात करो, जैसे इनके साथ बैठ के बात किए थे, है ना। हाँ, तो शांतम पापम ये स्विच वर्ड का प्रयोग करते जाएं और सही से ये ऊर्जा भेजते जाएं, बहुत जल्दी एग्रेशन कम होता है, बहुत जल्दी, है ना। दूसरा तरीका, अगर किसी की हीलिंग ही कर रहे हैं तो उसका फ़ोटो ले लें, या तो पेपर में उसका एक फ़ोटो बना लें और उसकी आज्ञा चक्र पर हरे पेंस हरे डॉट हरा कलर का डॉट बना करके उसमें शांतम पापम लिख करके सेहकी बना करके उसको हील करें। अगर बहुत पुराना आदमी है और बहुत समय से गुस्सा है तो 21 दिन मान लो, और टीनेजर है, युवा है जो अभी अभी गुस्सा करना सीखा है तो 11 दिन मान लो, इतना समय लगेगा, ठीक है। फर्स्ट चक्रा सोलर प्लेक्सस हार्ट चक्रा, ओके। सिंबल चौकुरे से है कि डाइकोमियो, स्विच वर्ड एंड एंजल नंबर क्या है। हाँ बता ही दिया आपके क्वेश्चन से पहले, है ना। इसमें एंजल नंबर नहीं का की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, इसमें ये जो स्विच वर्ड है शांतम पापम वो अच्छा काम करेगा। एंजल नंबर लिखवाया है लेकिन जो गुस्सा कर रहा है उसके हाथ में लिखवाना है, लिखाने वाली बात है, वो तो लिखेगा नहीं, है ना। फिर भी 38382 38 38 238 बीच में एक बार बस दो है, ठीक है। हाँ, आई हैव स्टार्टेड हीलिंग फॉर माय नेफ्यू फॉर ऑटिज्म। विद सिंबल होनशा जेशुन इन डाइकोमियो एंड ऋषि डायमंड। हाँ, अफर्मेशन आप प्लीज़ बताओ। अफर्मेशन इसमें ये रहेगा बेटा कि इस बच्चे का मन, बुद्धि और शरीर आपस में सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, आपस में सही से काम कर रहे हैं। ये बच्चा किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह एक स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि का मालिक बन रहा है। इस बच्चे पर आपकी कृपा हो प्रभु, इस बच्चे पर यूनिवर्स की कृपा हो। ये बच्चा बिल्कुल एक खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हो रहा है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए तैयार हो रहा है। इसे सेहत प्राप्त हो रही है, इसे बुद्धि प्राप्त हो रही है, इसे खुशहाली प्राप्त हो रही है। इसके माँ बाप माता पिता की भी जाने अनजाने की ये सारे भूलों को क्षमा दान करके इनके माँ बाप को भी आनंद की प्राप्ति हो रही है।
सुखों की प्राप्ति हो रही है, शांति की प्राप्ति हो रही है, ऐसे करके प्रेम से धीरे धीरे आप उसे अफर्मेशन देंगे। ऐसा करते करते कुछ नए नए अफर्मेशन उसको बच्चे को देखते हुए आपके अंदर और पैदा होगा, और उसके लिए भी आपको उन शब्दों को बनाना है। बेटा क्या होता है, एक लंबा जब हम किसी के लिए हीलिंग कर रहे होते हैं ना, ऑटिज़म पे बेटा समय लेता है ना। मैं एक ऑटिज़म वाले बच्चे का करीब एक साल हीलिंग किया था, तब जाके उसको 90% तक हम रिज़ल्ट दे पाए थे। उसके बाद भी हीलिंग करके अब बच्चा नॉर्मल हुआ है। तो बहुत लंबा लेता है क्योंकि चीज़ ऐसी है, प्रैक्टिस साधना ये इम्पॉर्टेंट है। भगवान आप पर कृपा करें कि आपने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उठाई है। बहुत सारे हीलर्स, अच्छे अच्छे हीलर्स ऑटिज़म पर ये ज़िम्मेदारी नहीं उठाते क्योंकि बहुत लंबा समय चाहता है। तो आपको परमात्मा शक्ति दे, और मेरी शुभकामनाएँ हैं और बहुत सारा आशीर्वाद है मेरा। और मैं सच बताऊँ तो आपके लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि आप इसको ख़त्म इस केस को अच्छे से ख़त्म करें, पूरी तरह से वो जो भी है उस बच्चे का प्रॉब्लम उसे ठीक करें, है ना। तो बच्चे लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं मानता हूँ, धीरे धीरे ऐसे ही हम जवाब देते रहेंगे, अगली भी कक्षा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि हम कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं, कितने सवालों को हम डिस्कस कर पाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम आपस में रूबरू हो पाते हैं। तो आप सभी को मेरा प्रणाम है, आप सभी को मेरा आशीर्वाद है, और मेरे गुरुओं का भी आशीर्वाद आप सब पर बने, और एक महान हीलर आप बने। बेटा फिर से एक बार मैं बोलूँगा कि फास्टिंग शुरू करें, हफ्ते में एक दिन की फास्टिंग कम से कम करें, या इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, ऐसे करके अपने आप को बढ़ाना। सुबह की चाय छोड़ दीजिए, हर बार बोलूँगा ताकि धीरे धीरे वो मन में उतरता जाए और एक समय में ख़त्म हो जाए। बेटा जी मैं आप लोग को बस बताना चाहता हूँ कि आज करीब 3 महीने हो गए, 3 महीने से ज़्यादा ही हो गए होंगे, चीनी का एक दाना भी नहीं गया है मेरे शरीर में किसी भी रीज़न से, ना मिठाई में, ना लड्डू में, ना ही खीर, ऐसा ऋतु। तो मेन क्या होता है पता है, चीज़ों को करना नहीं होता, चीज़ों को अंदर आने देना होता है। कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी आदत है ना, वो यहाँ अंदर आने दो उसको, बस स्वीकार कर लो। एक समय आता है ना, शरीर और मन अपने आप उसके लिए रिएक्ट करता है ना। तो वो ही आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। फिर एक समय होता है, आज मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, आज गुड़ का मुरब्बा खिलाया मुझे किसी ने, मैं वो गुड़ का मुरब्बा जैसे ही मुँह में खाया ना, मतलब ओ माय गॉड, इतना मीठा है ये, समझ रहे हैं। वो नॉर्मल गुड़ का मुरब्बा जो उनको बिल्कुल मीठा नहीं लग रहा है, वो मेरे लिए बनाया है कम मीठा वाला, कि ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं। वो जब मैंने चखा तो मेरा लाइक ऐसे पूरे जॉ लाइन यहाँ तक पूरे कांप गए, वाइब्रेट हो गए, इतना मीठा है, क्योंकि मीठा खाने की आदत ही छूट गई है। जो नॉर्मल फल होते हैं, वाटरमेलन होता है, आम होता है, जिसे लोग कह रहे हैं कि ये उतना मीठा नहीं है, इस बार का आम अच्छा मीठा नहीं है, वो मुझे मीठा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर लेना बंद कर दिए हैं, तो प्रकृति का जो असली स्वाद है वो मिलना शुरू हो गया। खाली रोटी खा के देखने से रोटी मीठी लगती है, खाली चावल खाने से वो मीठा लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, जब आर्टिफिशियल टेस्ट को आप छोड़ोगे ना, तो असली जो टेस्ट है, जो मदर नेचर ने आपको दिया, हर स्वाद आपको स्वादिष्ट लगेगा, हर चीज़ मज़ा आएगा। कभी मन ये नहीं कहेगा कि ना आज ना मन कुछ बेचैनी लग रहा है, मचल रहा है, कुछ टेस्टी सा खाने का मन है, जाके समोसा खा लेते हैं या कुछ टेस्टी सा चटपटा बना के खाते, नहीं करेगा, क्योंकि मुंह से स्वाद निकल चुका है, अब जो है उसमें ही स्वाद आने लगा है ना। तो ये आखिरी मैसेज था आप सबके लिए, अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, अगले हफ्ते फिर से आखिरी के 3 मिनट में यही लेक्चर दूंगा, ताकि धीरे धीरे आप लोगों के दिमाग में चीज़ भर जाए, एक दिन आप लोग भी अच्छी डाइट लेना शुरू कर दो। साधना, साधना डिसिप्लिन यहाँ से शुरू होती है। जीवन में बड़े बड़े डिसिप्लिन लेना चाहते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन अगर इसको नहीं संभाल पाए, चाहे इसको सारी साधनाएं, कोई साधना नहीं हो पाएगी, पहले ये साधना है, ठीक है जी।
इसको भी और इसको भी। ठीक है जी, आज्ञा दें, परमात्मा आप सबको खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे, आपके सभी के, आप सभी के क्लाइंट्स को, आप सभी के रिसीवर्स को आपके द्वारा अच्छी हीलिंग प्राप्त हो। धन्यवाद जी। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इसको बंद कैसे करते हैं? हाँ हाँ हाँ, दिख गया दिख गया दिख गया। नमस्ते है जी। हाँ, बहुत अच्छा सेशन रहा बेटा, चलो जल्दी से अगली क्लास, जल्दी से अगली क्लास। कैमरा बंद करो।